मैं सबसे पहले हरेंद्र कुशवाहा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अहमदाबाद से चलकर हमारे बीच आए हैं। हरेंद्र जी इजाजत को पढ़ता जी जी बंधु जी, कभी मिट्टी कभी सोना कभी इंसान देश होगी। आए हैं, क्या बात है, क्या बात है। दो शब्द है, एक अनुशंस है, दीपांश और हमारा भतीजा भी आया है, आयुष का सगा भाई हमारा अक्षांश, अक्षांश रेखाएं होती है ना जी, वो भी हमारे बीच अगले अगले तरह से नागेंद्र भैया ने कहा बुलाएंगे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराएंगे, तो वो कवि के रूप में मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनको बुलाया जाए। कभी मिट्टी कभी सोना कभी इंसान बेचोगे, वतन के रहनुमाओं कब तलक की मान बेचोगे, और तुम्हारी हरकतों से तो यही मालूम होता है तुम अपने हाथ से करो हिंदुस्तान। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है बंधु जी, बंधु जी फिर से, बंधु जी फिर से, फिर से एक बार। कभी मिट्टी कभी सोना कभी इंसान बेचोगे, हाँ क्या बात है, वतन के रहनुमाओं कब तलक ईमान बेचोगे, तुम्हारी हरकतों से तो यही मालूम होता है तुम अपने हाथ से एक रोज। वाह 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 वाह, अगले तुम अपने हाथ से, तुम नहीं कोई और है। अच्छा ये मैं सच पढ़ूंगा, आदरणीय पांडे जी बुरा न मानिए, गुरु जी हमारे ही है, मेरे शिष्य के गुरु हो तो मेरे भी। लड़ने लगे हैं लोग, क्या बात है, इबादत के नाम पर, क्या बात है, पूजा के नाम पर, क्या बात है, कि लड़ने लगे हैं लोग इबादत के नाम पर, ये खेल हो रहा है सियासत के नाम पर, क्या बात है, वो जानते के फर्ज निभाते हैं और हम करते हैं राजनी शहादत के नाम पर, जय हो जय हो, क्या बात, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 40-40 लोग मरेंगे केवल सत्ता के लिए, क्या बात, करते हैं राजनी सियासत के नाम पर। 130 आज 31वां दिन है, 131वां दिन है, किसान बॉर्डर में बैठा है, अन्नदाता की वो दुर्दशा है, अगर अगर कभी नहीं दिखता है तो कल है ही नहीं, धार से भी बदतर है। क्या बात है, क्या बात है, किसान 300 किसान मर गया, सरकार ने संवेदना प्रत्यक्ष नहीं की, एक बंदर हमारे पूजनीय हनुमान जी भी मरते हैं तो हम उनका दाह संस्कार करते हैं सम्मान के साथ, इंसान जानवर से बदतर हो गया। सबने चार पंक्ति आदरणीय शुभ नाम में, वीरेंद्र नागर साहब सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं, हम भी किसान के बेटे हैं, आप सब किसान के बेटे हैं, रोकोगे अगर हमको तो हम और जाएंगे, रोकोगे अगर हमको तो हम और जाएंगे, गोली भी खाएंगे मगर हक और जाएंगे, दिल्ली हमारे पुरखों ने आबाद करी है, दिल्ली न जाएंगे तो क्या बात, क्या बात, वाह बहुत बढ़िया बंधु जी, वाह चश्मा बचा बचा के, माला माल कर दिया दादा को, चले सुनो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रचारण कर रहे हो, स्वागत भैया, आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन हमारा वीडियो नहीं बना रहे हो, बैटरी खत्म हो गई गुरु जी, बंधु जी बन रहा है, बन रहा है, अरे राजा लगे गजल संध्या पे आएगा, अच्छा बैटरी खत्म होने की हमारी उम्र बेटा आपकी, क्या बात है, बंधु जी डबल बैकअप लेके चलते हैं, डबल बैकअप, रोकोगे अगर हमको तो हम और जाएंगे,
गोली भी खाएंगे मगर हथौर जाएंगे। दिल्ली हमारे पुरखों ने आबाद करी है। आहा, क्या दिल्ली न जाएंगे तो क्या लाहौर जाएंगे? आज नफरत की लगाकर क्या करोगे? क्या कहने है? आज नफरत की लगाकर क्या करोगे? बस्तियां यूं ही जलाकर क्या करोगे? टूट जाएगा जब अपना मुल्क ही तो मंदिरों मस्जिद बनाकर क्या करोगे? क्या बात? जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत सुंदर। टूट जाएगा जब अपना मुल्क ही तो मंदिरों मस्जिद बनाकर क्या करोगे? मंदिर मंदिरों मस्जिद बनाकर अब सुबह नहीं है, मुझे याद दिलाता रहता है। एक चार मंदिर मुझे और याद आ गई। जब ऊट जाना तो आप मुझसे कह लेना बैठ जाओ, ऐसे कह लेते तो मैं बैठ जाऊँ। अरे गुरु जी सर नगर साहब चार पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, जो मेरी पहचान की पंक्ति है और ये हमारे ग्यालेन जी ने उसको इस्तेमाल भी किया है। स्वागत है दादा। चार पंक्ति और मुझे याद आ गई हलन जी। जी जी बंधु जी स्वागत है। जैसे टूट जाती अरे क्या चढ़ी है बंधु जी, फलों के बहुत से शाखे, क्या बात है, पेड़ में बहुत फल लगते तो डाले टूट जाते हैं। जैसे टूट जाती है फलों के बहुत से शाखे, बुजुर्गे खाब से आंखों की नींदें टूट जाती है। बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। बहुत टूटे हुए हैं हमारे गुरु जी। अच्छा अनुराग अविरल साहब शर्मा जी ने मुझे याद दिलाया तो मैं सुना देता हूँ। जैसे टूट जाती है फलों के घोष के शाखे, बुजुर्गे खाद से आंखों की नींदें टूट जाती है। क्या कहने बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती है। वो जो कुछ लोग करना चाहते हैं क्या अभी तो मैंने गाना नहीं शुरू किया, स्पष्ट हो जाएगा नहीं तो मैं कानपुरी साहब लल्लू क्या है दादा? होता है इस उम्र में आके होता है। अमर सिंह साहब है हाथ के सम्राट है और इनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है। वो जो कुछ लोग करना चाहते हैं सुनो, वो जो कुछ लोग करना चाहते हैं उन्हें करने में देना तुम कभी भी। क्या बात है वाह। पानी आंख का हो या ध्वनि का इसमें बदले आए हाय आए, आए क्या बात है वाह वाह। बंधु जी बेटियों वाला जरूर पढ़ना। हाँ बेटियों वाला गाँव नाम हाँ हाँ वही 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 बोला पहले अनुराग के चार मित्र में पढ़ रहा हूँ। जानता हूँ भाई आप ताली बजा ले सुन में मजा आ रहा है। युवाओं के मतलब के लिए मेरे पास वर्तमान जवान और भूतपूर्व जवान सब के लिए है। गुरु जी मतलबी लोगों के लिए मतलब का सामान लेके चलते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो अम्मा कहती थी कि घर में जब रहते थे कहते घर को शुरू हो जाए और जब घर से निकलना शुरू हो कहते आवारा हो। तो माँ के इस दुनिया से जाने में 20 बरस हो गए लेकिन वो पंक्ति याद आती है। मैं अपने माँ को रहते रहते घर में घर हो जाते हैं नगर भैया कि घर रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। और कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। कुछ लोगों की किस्मत
आ गए लोग। कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, इधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। जिस तरफ गम पार जाते हैं हमदर्द लोग। देखिए गांव में होता है नागेंद्र भैया, बहुत अच्छा आदमी होता है जब वो निकलता है तो प्रणाम करते हैं, बहुत खराब होता है तो कहते हैं ये घर में ना आए तो अच्छा ही है। तो शायद कई लोग हर चीज को पकड़ लेते हैं, है क्यों बल रखी अगर गम गुफार कहते हैं हमदर्द। जिस तरफ गम गुफार जाते हैं बस्तियों को संवार जाते हैं, वो जो तूफान से नहीं डरते वो ही दरिया के पार जाते हैं। क्या बात है, कमाल है, कमाल है। मेरी साहब वो जो तूफान से नहीं डरते वही तो दरिया के पार जाते हैं। और आदर नहीं आपके चरणों में सिर रख रहा हूँ, स्वागत। गणेश प्रसाद त्रिवेदी जी, ओम गणेश राय नमः। वो जो तूफान से नहीं डरते वही दरिया के पार जाते हैं। सारी दुनिया को जीतने वाले अपने बच्चों से हार जाते हैं। अनुभव वाली बात है। अच्छा अब मैं शुरू हुआ इस गैलरी को, स्वागत है सर। मेरी चाहत का अगर सामान होगा, मेरी चाहत का अगर आशीष आशीष तेरी चाहत का अगर सामान होगा, सफर मेरा बहुत आसान होगा। अरे शेर इस बड़ा गांव मछलिया के इस जमीन पवित्र भूमि पर दे रहा हूँ, क्योंकि सम्मेलन जिस सरजमीन में होता है नागेंद्र जी उससे पवित्र सरजमीन कोई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सरस्वती के भरत पुत्र आते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। तेरी चाहत अगर सामान होगा सफर मेरा बहुत आसान होगा, अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट। अपनी बिटिया के लिए अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। क्या बात है, अगर दे दो जरा सी मुस्कुराहट तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। शेर सुनिए, जो मेरी पहचान का शेर है, करेगा ही नहीं नफरत की बातें जिसके दिल में हिंदू। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के नागरिक है, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नफरत कोई समस्या का समाधान नहीं होता बेटा, सुनो। रंग जानो रंग जानो, हाँ जी है, बोल गया है। रंग डालो रंग डालो रंग डालो रंग डालो, मुझे प्रेम के रंग में रंग डालो रंग डालो रंग डालो। रंग क्या होता प्रेम का रंग गुरु जी, रंग डालो रंग डालो मुझे प्रेम के रंग में रंग डालो रंग डालो रंग डालो। ये बाइक बहुत अच्छा है, इसका भी मैं पढ़ाता हूँ, बस सुनिएगा। ये रंगने की रुत आई है, ये रंगने की रुत आई है, दुख हरने की रुत आई है, दिल के हर खाली दोबन में सुख भरने की रुतवा। क्या बात है, रुत में
बेटा सुनो मतलब अनुभव होता फिर रंग डालो रंग डालो महाराज रंग डालो रंग डालो ये बस सुनो मनोहर बस्ती का आलम माहौल कि देखो हर बस्ती का आलम हर ओर है मस्ती का आलम है हर मौसम में स्वीकारा है फागुन की हस्ती का आलम क्या बात है इस मस्ती में अभी देख इस मस्ती में खुद को ढालो चोराइए मुझे मुझे प्रेम के रंग में रंग डालो रंग डालो रंग डालो पूरे श्रोता और मस्ती में ढले हुए हैं आखिरी बात कर रहा हूँ होली का अपना है स्वभाव होली का करेक्टर क्या है होली का अपना है स्वभाव सबसे उल्फत सबसे लगाओ दुश्मन भी गले लगाते हैं मिट जाते हैं सब भेद भाव होली खेल खेल के दादा ने लिखा है खेल वाला गीत दुश्मन भी गले लगाते हैं मिट जाते हैं सब भेद भाव होली है सबको अपना लो होली है सबको अपना लो मुझे प्रेम के रंग में रंग डालो रंग डालो रंग डालो और आखिरी पंक्ति सुनिए स्वागत है स्वागत है सर स्वागत है अच्छा सुनो अरे चोटी वाले पंडित जी अरे वाह 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 क्या बात है वाह यही पंक्ति यहाँ सुनाने चाहिए दादा ऐ चोटी वाले पंडित जी ऐ दाढ़ी वाले मुल्ला जी वाह वाह दोनों लोग हैं कि नहीं पंडित जी तो बहुत है उनने भी कहा गया वो अच्छा भाई अच्छा जी ऐ चोटी वाले पंडित जी ऐ दाढ़ी वाले मुल्ला जी ये रंग है भाई चारे की रंग जाओ खुल्लम खुल्लम ये अब चला हो ये रंग है भाई चारे की ये रंग है भाई चारे की रंग जाओ खुल्लम खुल्ला मन में कोई भेद नहीं पालो हो जी मन में कोई भेद नहीं पालो हो मुझे प्रेम के रंग में रंग डालो 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 आप लोग सुन लेंगे क्या अरे दादा स्वागत 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 बर्दाश्त कर लेंगे अरे असल अरे दादा गुरु जी नौजवानों का शेर कह गया उसके पहले लोग कहते हैं कि जब उम्र दराज हो जाता है तो इश्क नहीं होता इश्क कमी होता है क्योंकि इश्क करने पर कोई शकी नहीं होता है अनुभव बोलता है इश्क माने प्रेम ईश्वर से इश्क से माता पिता से इश्क बड़ों से इश्क बच्चों से इश्क जवानी में
मैं एक से छुपा गए गुरु जी, जवानी में जवानी से इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, इश्क की भूख कहर भर पाए सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए, चाहते सभी गुरु जी आपको इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए, अफवाह है वो मुझे इसकी खबर है, लेकिन जान भी दे दू अगर इसका इशारा नहीं चाहिए। अच्छा वो राजेश भैया किसने राजनीति क्या बात कि लगा ले गले से गला काट के सब मशीनों का कोई भरोसा है, लगा ले गले से गला काट के सब मशीनों का कोई भरोसा नहीं है, हरा कर जिता दे जिता कर हरा दे मशीनों का हुआ, मशीनों का जवाब नहीं है तुम्हें। 20 साल से प्रेम कर रहे हैं वो जाते हैं मशीन का मतलब दादा दादा एक बात पूछे कर रहे हैं कि कर रही है, दोनों 31 साल। चलिए अब ये पूजा की पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूँ, ये अगले भी वो पंक्तियां है अगले भी अगर मैं बिटिया को ही समर्पित करता हूँ, बहुत सारे हार मेरी बेटी है मेरी शिष्या है मेरी कवित्री है, सुनो बेटा अगर तुम ही बेटी हो तो तुमको भी समर्पित करते प्रभात से तुम बेटे हो लेकिन ने बहुत प्रगति की, लेकिन जब बड़े हो जाओगे और तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी जो पत्नी आएंगी वो मेरी बेटी होगी, मैं उस बेटी को समर्पित। क्या बात है, मुझे एक कहानी याद आ रही स्वागत। अभी बहुत सारी बातें हुई वो हरेंद्र भैया जी साहब जी बंधु जी, एक बार अंग्रेज टहल रहे थे इंग्लैंड में टहल रहे थे जी दादा, बात राष्ट्र की आई तो ये अंग्रेज ने कहा कि भाई ये जो तिरंगा है सरदार जी के साथ टहल ये जो तिरंगा है इसमें जो हरा केसरिया रंग है वो हिंदुओं का, हरा रंग मुसलमानों का है, सफेद रंग ईसाइयों का है, आप कहां आप तो है ही नहीं। सरदार भी बहुत चकर थे, उन्होंने कहा इस तिरंगे में जो डंडा लगा है क्या तेरे बाप का है, क्या बात है। पूजा की पंक्तियां पूजा की तरह ये मेरी वो पंक्तियां हैं बच्चों, और डंडे की बात करके दादा आपने डंडा बनारसी की याद दिला दी, ये पूजा के मेरे पांच फूल है, एकमात्र मेरी बेटी यहाँ उपस्थित है मेरी बेटा मेरी मेरा भविष्य, और जिस घर में बेटियां नहीं होती है वो घर नर्क होता है या शमशान होता है, तो दूसरी परिवार से बेटियां दी जाती है इसकी अजमत इतना सम्मान होता है बेटियों का। सुनिए मैं पूजा की पंक्तियां हरेंद्र भाई आपके इस यूट्यूब चैनल पे जो आप पूरी दुनिया में इस गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे नागेन जी हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे हमारे बड़े भाई ज्ञानिंद सिंह जी और गौर साहब इस सब मेरे बहुत पुराने मित्रों में, तो पूजा की पंक्ति आपके चैनल को समर्पित करता हूँ। स्वागत है मैंने बताया ना कि अध्यक्षता जिस फायर को करा लो वो बिल्कुल समझ लो कि सजा है जी दादा, हाँ जिसको अध्यक्षता करा लो उसको बाद में पानी पी पी के ही पढ़ना पड़ता है, है जी दादा। स्वागत दादा स्वागत, सुनिएगा सभी पूरे दुनिया के बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ तो बेटियां तो यूपी में कम से कम बचने से दिक्कत हो रही नहीं बच पा रही है, पहाड़ों में
बड़ा गांव वालों, मन से सुनना इस गीत को, ताली बजाने के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप मजबूर हो जाएंगे तालियां बजाने के। बस बच्चों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि ऐसे बैठो जैसे आपने अभी जन्म ही नहीं लिया। स्वागत। मैं अपनी बेटी को समर्पित करता हूँ आयुषी त्रिपाठी को। तूफान भी चराग जलाती है बेटियां, तूफान भी चराग जलाती है बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाए बेटिया। तूफान में भी शराब जलाती है बेटिया, क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटिया। शेर सुनिए साहब, स्वागत है, सच्चा शेर। बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती है बेटियां। और एक शब्द है वजूद कहते हैं अस्तित्व जी दादा जी, कि सारी वतन समेट के अपने वजूद में, सारी थकन सारी मेहनत बेटियां अपने आप में समाहित कर लेती हैं। इसका मतलब ये है, आगे नहीं सुनिएगा, अगर बेटा बैठा है तो कहेंगे बेटी ही पानी पिलाए, बेटी ही ये काम करे, दुख होता है घर रोता, हम सब बेटी वाले, हम भी बेटी वाले, सबका जी सुनिएगा। कि सारी फसल समेट के अपने वजूद में, सारे जहां का बोझ उठा सारे जहां का बोझ उठाती है बेटिया। वाह बढ़िया। देखिए आप लोग ताली बजाने का कंजूसी कर रहे हैं, आज इसमें कोई ताली नहीं बचती, क्योंकि ये आपको पूजा की पंक्ति है, पूजा ध्यान से सुनी जाती है। बड़ी बात कही बेटिया, जो घरों को सजाती है एक पंक्ति निकलती है आदरणीय, आपके बगल में शुभ नाम जानना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। रामानुज जो बहुत बड़े गणतज्ञ हुए, आपको प्रणाम करता हूँ। रामानुज जी हुए ना, ये सब इस समय जो बैठे हैं 24 कैरेट के सोना है, यही असली सोना। और अगले बरस नागेन भैया एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करेंगे, हम सब पढ़ेंगे, सुन लीजिए। तो घरों को बेटियां सजाती हैं, क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते सपने, घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते सारे फलक से तोड़ के लाती है बेटियां। और जिस शेर के लिए अनुराग जी ने ये गजल कही है, क्या बात, नीलेश जी, आशीष गुरु, परवेश भाई, सारे युवाओं को सुनिएगा, स्वागत, ध्यान में रखिए, जानेंगे सब लोग। क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती है। दोबारा बढ़कर बहुत खुश रहते हैं, दोबारा बढ़ते, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञानेन्द्र जी।
ये इल्तजा है तोहफों में मत मारिए इन्हें, ये इल्तजा है तोहफों में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती है बेटियां। और आखिरी गजल ने जो जिसने शायर कवि का नाम आ जाए उसको वक्ता कहते हैं। क्या बात, आप दो तीन साल कराएंगे तो उर्दू शायरी भी समझ जाएंगे, हिंदी शायरी भी समझ जाएंगे। गुरु जी दो तीन साल और कराएंगे तो सब शायर बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पंक्ति मैंने उस बेटी को समर्पित किया है जिसने कक्षा छह की स्टूडेंट की उम्र 12 साल होती होगी लगभग, 12 साल की उम्र में एक विश्व स्थान का कंपटीशन हुआ था भगवत गीता पे पूरे दुनिया। उस बच्ची ने पहला स्थान प्राप्त किया था भगवत गीता को कंठस्थ करके। क्या बात है, उस बच्ची का नाम है मरियम सिद्दीकी जनपद जो मेरे गांव के बगल की है, और मुस्लिम फैमिली में उस बच्ची ने इस काम का इंटरनेशनल अवार्ड जीता था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने पीएमओ कार्यालय में बुलाकर सभी धर्मों की पुस्तक भेज कर सम्मानित किया। बहुत सुंदर। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अखिलेश जी उसमें मुख्यमंत्री थे, फडणवीस ने सबने अपने यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित किया, अमिताभ बच्चन ने अपने घर बुलाकर सम्मानित किया। फतेहपुर की बेटी है, फतेहपुर की बेटी है, सम्मान में ताली बजा दो। आखिरी पंक्ति सुनाता क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में है। इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में इंसानियत का पाठ पढ़ाती है बेटियां। ये इल्तजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से। बहुत बहुत धन्यवाद।